सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देसी यूट्यूबर और मैं सर्वेश स्वागत करता हूं फिर से मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम खड़े हैं चंदौली जिले में। इस पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ये है चंद्रप्रभा बांध। तो चलिए हम आप लोगों को चंद्रप्रभा बांध दिखाते हैं। वैसे तो मैं भी पहली बार चंद्रप्रभा बांध पे आया हूँ, तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, लेकिन हम आप लोगों को चंद्रप्रभा बांध दिखाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं और आप लोगों को कहाँ तक दिखा पाते हैं। तो बने रहे वीडियो पर और देखते रहे पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं चंद्रप्रभा बांध। फ्रेंड्स, चंद्रप्रभा बांध पे इस समय हम लोग चल रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं इस समय चंद्रप्रभा बांध में पानी काफ़ी कम है, और नहीं तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा पानी पानी ही भरा रहता है और लोग इसी पर से जाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को चंद्रप्रभा बांध दिखाते हैं, बने रहे वीडियो पर और देखते रहें पूरा वीडियो। दोस्तों, चंद्रप्रभा डैम चंदौली जिले में स्थित है और वाराणसी से इसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चंद्रप्रभा डैम चंद्रप्रभा नदी पर बना है और चंद्रप्रभा डैम से जो पानी आगे जाता है वह राजदरी वाटरफॉल में जाता है और राजदरी वाटरफॉल से होकर देवदरी वाटरफॉल में जाता है। यह एक लाइन से क्रम है। दोस्तों, चंद्रप्रभा डैम राजदरी से सटा हुआ है, इसकी दूरी लगभग आधा किलोमीटर है। दोस्तों, चंद्रप्रभा डैम चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, इसलिए आप यहां बरसात के मौसम में आएंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और इसके बगल में ये बहुत ही घनी जंगलों की आबादी है जिसमें आपको अनेकों प्रकार के जीव जंतु मिल जाएंगे। तो आप कभी भी यहां आए तो दिन का टूर करें और रात में आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक जानवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो लोग राजदरी और देवदरी घूमने आते हैं वो अक्सर यहाँ खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ बंदरों का आतंक ज़्यादा है। अगर आप लोग कभी भी यहाँ खाना बनाने की सोच रहे हैं तो हाथ में लाठी लेकर बैठें तभी यहाँ खाना बनाएं, क्योंकि यहाँ खाने के लिए बंदरों को कुछ भी नहीं मिलता है और वो हमारे जैसे लोग आते हैं खाना बनाते हैं वहीं वो बंदर भी खाते हैं, इसलिए वो हमेशा परेशान करते हैं। तो आप लोग कभी भी आएँ तो लाठी लेकर खाना बनाएं, नहीं तो आप लोग खाना नहीं बना सकेंगे। इन लोगों की जनसंख्या यहाँ इतनी ज़्यादा है कि आप लोग कभी भी आए होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों, ये चंद्रप्रभा डैम एकदम इस समय सूखा है क्योंकि बारिश का पानी ही सिर्फ इसमें आता है और कहीं से पानी इसमें नहीं आता। तो चलिए हम आप लोगों को पूरा डैम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस डैम पे पैदल ही चल रहे हैं ताकि हम आप लोगों को पूरा डैम अच्छे से दिखा सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, तभी आप लोग इस डैम के अगल बगल का पूरा नज़ारा अच्छे से देख सकेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को और आगे दिखाते हैं चंद्रप्रभा डैम।
तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो बरसात के महीने में आए, तो हम बरसात के पहले आए थे तब ये डैम सूखा था। और ये वीडियो मैं कुछ लेट से डाल रहा हूँ किसी कारणवश, तो आप लोग कभी भी आइएगा तो बरसात के महीने में आइएगा और आप लोग यहाँ की सुंदर वादियों का नज़ारा भरपूर देखने को मिलेगा। चारों तरफ आप लोगों को हरियाली ही मिलेंगी, क्योंकि मैं बरसात के पहले आया था तब हरियाली कुछ कम थी। All right.